गुड मॉर्निंग मैम, माई सेल्फ भावना गुप्ता और मैं बीएड सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। आज की प्रेजेंटेशन के लिए जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो हमारा जो पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन की यूनिट सेकेंड के अंतर्गत आता है। टॉपिक का नाम है इंडियन एजुकेशन कमीशन। इंडियन एजुकेशन कमीशन से पहले भी दो कमीशन और आ चुके थे। ये थर्ड कमीशन था इंडिपेंडेंस के बाद का। इससे पहले के जो दो कमीशन थे उनमें पहला था राधा कृष्ण कमीशन और दूसरा जो था वो था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। राधा कृष्ण कमीशन जो था वो पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेटेड था, जबकि जो सेकेंडरी एजुकेशन था वो पूरी तरीके से सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड था। इसके बाद जब थर्ड एजुकेशन कमीशन के बारे में बात हुई तो उस समय की प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ये ऐसा सोचा कि कुछ इस तरीके की कमीशन का गठन होना चाहिए जो एजुकेशन के सारे लेवल को कवरअप करे। इसके लिए उन्होंने डॉक्टर डीएस कोठारी, जो उस समय के प्रेजेंट यूजीसी के चेयरमैन थे, उनको अपॉइंट किया एज अ हेड और उनसे कहा कि वो एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करें जो कि एजुकेशन के सारे लेवल के, इंडियन के सारे लेवल को कवर करती। कोठारी सर ने काम करना स्टार्ट कर दिया। ये कमीशन हुआ, इसका सेटअप हुआ जुलाई 1964 में। अक्टूबर पे इस पर काम होना स्टार्ट हो गया सेम ईयर में, और 1966 में कोठारी सर ने रिपोर्ट सबमिट कर दी। इस एजुकेशन कमीशन के कुछ मेन फीचर्स थे। सबसे पहला मेन फीचर तो ये था कि इससे पहले 5 कमीशन और आ चुके थे। ये छठा कमीशन था और आफ्टर इंडिपेंडेंस ये थर्ड कमीशन था। लेकिन जो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू था इंटायर इंडियन एजुकेशन सिस्टम का, वो इसने प्रोवाइड कराया। दूसरा क्या था, दूसरा मेन इम्पॉर्टेंट फीचर्स का ये था कि इसने एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। इस कमीशन के तहत ये बात बताई गई कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। यहाँ तक जो इस कमीशन का स्लोगन था वो ये था कि भारत का भविष्य कक्षाओं से आने वाला है। थर्ड इम्पॉर्टेंट फीचर था इसका इंटरनेशनल कंपोजिशन का होना। डेट मीन्स 17 मेम्बर्स थे इस कमीशन में, जिसमें से 5 एजुकेशनिस्ट थे वो अब्रॉड के थे, वो यूके, यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस और जापान से थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं एम्स उद्देश्य की, एम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन। एम इसका पहला ये था कि हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें। तो इसके लिए कई बातें रिकमेंड की गई, जिसमें पहला था कि साइंस को हम एक इंटीग्रल पार्ट बनाएं कुरिकुलम का, वोकेशनल एजुकेशन पे ध्यान दें और वोकेशनल एजुकेशन को हम कुरिकुलम के साथ जोड़ दें। दूसरा जो पॉइंट था एम का वो ये था कि टू प्रमोट द सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। इसके लिए उन्होंने बोला कि कॉमन स्कूल सिस्टम सेटअप करने चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इस तरह का रखना चाहिए जो रीजनल और मदर टंग में हो। थर्ड इन्होंने बात करी, थर्ड रिकमेंडेशन, थर्ड जो एम था इस कमीशन का वो ये था कि टू प्रमोट या और टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। इस एम के तहत ये बात बोली गई कि टेक्नोलॉजी में अगर हमें एजुकेशन को इम्प्रूव करना है तो हमें एजुकेशन को टेक्नोलॉजी या जो एडवांसमेंट, जो नए नए में टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनके साथ उसको रिलेट करना पड़ेगा, जिससे कि एजुकेशन वर्डली हो, बच्चे मतलब वर्डली चीज़ों को बुकिश ना बने। चौथा जो मेन एम था वो था टू डेवलप द सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू। इसमें इस एम के तहत ये बात बोली गई कि बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ साथ उनकी जो बेसिक जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनसे भी अवगत कराया जाए। इसके लिए जो क्लास आवर्स के अलावा, पीरियड्स के अलावा क्लासेस ली जाएँ, जिससे कि उनका स्पिरिचुअल, मॉरल एंड सोशल डेवलपमेंट भी हो सके। नेक्स्ट टॉपिक जो इंडियन एजुकेशन कमीशन का है वो है रिपोर्ट ऑफ कमीशन। रिपोर्ट ऑफ कमीशन या रिपोर्ट जो है कमीशन की, उसको हम लोग 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो डील करता है वो होता है प्रॉब्लम सेट। फर्स्ट सेक्शन डील विद द जनरल प्रॉब्लम।
सेकेंड सेक्शन जो है वो डील करता है विद एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस एंड इन डिफरेंट सेक्टर्स. थर्ड सेक्शन डील करता है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस रिकमेंडेशन सजेस्टेड बाय द कमीशन एंड द फोर्थ कंसिस्टेड ऑफ सप्लीमेंट्री पेपर्स. इन सारे सेक्शंस को ब्रॉडली हम कैटेगराइज कर सकते हैं इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जिससे कि सो एज टू रिलेट टू द लाइफ इट्स नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द नेशन. सेकेंड क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ द एजुकेशन एंड द थर्ड एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज. नाउ वी मूव ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन कमीशन. रिकमेंडेशन में भी बहुत सारी बातें इस कमीशन के अंतर्गत बोली गई, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था टू प्रोड्यूस आइडियल सिटीजन, टू डेवलप इक्वालिटी ऑफ लीडरशिप, मेन इम्फेसिस ऑन वोकेशनल एजुकेशन, टू डेवलप ह्यूमन वर्च्यू. फोर्थ फिफ्थ ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन कमीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें रिकमेंड करी गई कि 10 साल जो है 10 साल का मतलब जनरल एजुकेशन होने चाहिए जो कि 11 से 17 साल का बच्चा जो है ले सकता है. फिर कोरिकुलम के बारे में, फिर जो लोअर सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट्स हों लाइक ह्यूमैनिटीज़, आर्ट, साइंस, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सब्जेक्ट्स एंड सो ऑन. नेक्स्ट रिकमेंडेशन थी सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक्स, लाइक हर 4 से 5 सालों में हम रिवाइज करें चीज़ें जो नई आई हैं, टेक्नोलॉजीज जिन चीज़ों का इन्वेंट हुआ है जो भी, उसको हम लोग ऐड करते चले जिससे बच्चा वर्ल्डली रहे. नेक्स्ट है इन्होंने रिकमेंड किया, इस कमीशन ने रिकमेंड किया हेल्थ एजुकेशन की हर स्कूल में साल में 2 बार हेल्थ चेकअप हो बच्चे का मेंटली और फिजिकली डेवलपमेंट के लिए, इट्स वेरी मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है. फिर इस कमीशन में टीचर की एजुकेशन, उनकी टीचर एजुकेशन, उनके स्टेटस को भी इम्प्रूव करने के लिए कई चीज़ें बताई गई, लाइक उनको सैलरी अच्छी दे उनके लिए, मतलब प्रोविडेंट फंड और इन सब चीज़ों का मतलब उनको फैसिलिटीज़ दें जॉब एक रिस्पेक्टेबल जॉब मानी जाए. इसके अलावा जो ड्यूरेशन ऑफ सेशन और लीव उसके बारे में बताया गया कि लाइक टोटल वर्किंग डेज जो हैं पर ईयर वो 200 हों, और छुट्टियां जो हैं जो रिलीजियस छुट्टियां हैं रिलीजियस हॉलीडेज हैं उनको रिड्यूस किया जाए. प्रिंसिपल के पास अथॉरिटी हो कि वो छुट्टियां मतलब उसको कैसे उसको लोकल हॉलीडेज़ को कैसे उसको मैनेज करना है, देना है कि नहीं देना है. इसके अलावा जो जो ग्रामीण इलाकों में जो स्कूल हैं उनमें छुट्टियों को मतलब 7 डेज का टाइम बच्चों को दिया जाए, जब स्पेशली जब हार्वेस्टिंग और या सोइंग पीरियड चल रहा हो. और नेक्स्ट आता है कि एक सेशन के समाप्त होने में 10 से 15 दिन का बच्चों को टाइम दिया जाए, और समर ब्रेक भी 2 महीनों का होना चाहिए. मेरिट्स चूँकि एक कॉम्प्रिहेंसिव दे रहा था तो इसका मेरिट भी यही हुआ कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू दे रहा था एजुकेशन के सारे लेवल पे, वोकेशनल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया गया. डी मेरिट में यही आया कि प्रिंसिपल की इसमें कंडीशन को ज़्यादा मतलब ज़्यादा डिसाइड या बहुत ही अनडिसाइडेड मोड पर रखा गया. फिर दूसरा क्या था कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और कन्फ्लिक्ट मतलब कॉन्फ्लिक्ट वे में था, बहुत ज़्यादा ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई इससे. That's all.